सीता, अरे यह साल भी बीता, अरे यह साल भी बीता। साल बीतने पर दुख का भाव में और दुख का भाव भी है। लोक और देश, परंपरा और आत्मिकता, सारी चीजें अनुसूत हो, और इसके साथ साथ साहित्य के साथ संगीत का अद्भुत समन्वय। तो वो जो परिचय हुआ, उसके सामने जो मैं लिख करके ले आया, वो सारा परिचय जो है, वो चाहे आपने 50 कृतियां आपने लिखी, 2 महाकाव्य लिखे, आपको भाषा सम्मान, विवेकानंद सम्मान मिला, ये सारी चीजें जो है वो गौण हो गई है। मैं अधिक समय नहीं लेकर के आपको आमंत्रित करता हूँ। आपात मस्तक एक शिक्षक हैं, और एक शिक्षक ही शिक्षा नीति पर बोल सकता है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, आप कृपा करके अपने भाषण को प्रारंभ करें। अनम्यूट हो गया ना, भारतीय उच्च शिक्षा उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के स्थापना दिवस के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, यहाँ के शासी निकाय के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर कपिल कपूर जी, माननीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी, और यहाँ के कर्मशील निदेशक प्रोफेसर मकरंद आर परांजपे जी, और 2 नाम मैं और लेना चाहूँगा जो आज मैंने पहली बार किसी संस्थान में देखा है। यहाँ 1966 से कार्यरत रहे श्री हरीश कपूर और इस संस्थान के सफाई कर्मचारी श्री बलिराम, दोनों को बुलाकर दीप प्रज्वलन कराना मैं चाहूंगा। इस संस्थान ने जो ये बहुत बड़ी परंपरा स्थापित की है, आप सब इसका एक बार करसल ध्वनि से अभिनंदन करें। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस उच्च अध्ययन संस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कुछ कहने के लिए बुलाया गया हूं। हम 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजाद हुए, लेकिन वह आजादी शरीरों तक सीमित थी, मस्तिष्क हमारे आजाद नहीं हुए थे। 1950 में भारत का संविधान बना। जितने राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि जब कोई देश स्वयं प्रभु राष्ट्र बनता है, सॉवरेन नेशन बनता है, तो कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जो अनिवार्य होती हैं उसको स्वयं प्रभु सॉवरेन बनाने के लिए। पहली आवश्यकता होती है उस देश का संविधान, वो 26 जनवरी को हमें मिला। दूसरी आवश्यकता होती है उस देश का राष्ट्र ध्वज, वो भी तिरंगे के रूप में हमें मिला। तीसरी भाषा होती है, तीसरा चिन्ह होता है उस देश का राष्ट्रगान, वो भी हमें मिला, और दो, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रगीत के रूप में हमें मिला। लेकिन एक चौथी निशानी भी होती है, वो होती है राष्ट्रभाषा। जाने क्या हुआ कि हमें राष्ट्रभाषा नहीं मिल सकी, हमें राजभाषा मिली। और उसमें उस समय के नीति नियामकों ने ये कहा कि 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ चलेगी, लेकिन यह 15 वर्ष आज तक चलते आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 35 वर्षों के बाद इस देश को, इस राष्ट्र को मस्तिष्क के उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली है, और ये मुक्ति हमें मिली है मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मेरे यशस्वी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निर्धारित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से। मित्रों, शिक्षा नीति तो थी, लगातार चल रही थी, लेकिन उसका आधार वही लॉर्ड मैकाले थे जिन्हें ब्रिटिश महारानी ने भारत में ये जानने के लिए भेजा था कि हम भारत को
अगर गुलाम बनाए रखना चाहें तो क्या करना होगा। लॉर्ड मैकाले का वो भाषण जिन लोगों को याद हो जो ब्रिटिश संसद में दिया गया था, उसके मूल में था। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि जब तक भारत की संस्कृति पर, भाषा पर प्रहार नहीं किया जाएगा, तब तक हम भारत को जीत नहीं सकेंगे। और यही कारण था मेरे मित्रों, 1000 वर्ष की गुलामी में 800 वर्ष की गुलामी उन मुगलों के रही जो लोग यहाँ पर्वतों और दर्रों के माध्यम से आए थे, लेकिन उनका लक्ष्य था भारत के धर्म को पराजित करना। और इसीलिए उन्होंने मंदिर तोड़े, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया, नष्ट किया। लेकिन जब अंग्रेज आया, अंग्रेज पानी के रास्ते आया और पहली बार उसने हमारे केरल और कलकत्ता को अपना आधार बनाया। व्यापार करने आए थे अंग्रेज, और व्यापार के लिए मेरे मित्रों सबसे पहली आवश्यकता होती है, जहां हम व्यापार करने जा रहे हैं वहां की भाषा का ज्ञान हमें होना चाहिए। यही कारण था कि 1894 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया, और उस कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में शुरुआत में 4 ऐसे शिक्षक अंग्रेजों ने रखे जिन्हें ये सोच कर रखा गया था कि फूट कैसे पड़ेगी इनमें, फूट डालो राज करो। 4 शिक्षक रखे गए, इंशाअल्लाह खां मुस्लिम थे, लल्लू लाल वणिक थे, सदासुख लाल मिश्र ब्राह्मण थे, और एक सदल मिश्र वो भी ब्राह्मण थे। तात्पर्य उन्होंने एक कायस्थ रखे, एक मुस्लिम रखे, एक वणिक रखे, एक ब्राह्मण रखे कि ये लोग मिलेंगे नहीं। लेकिन भारत का सौभाग्य था कि उस समय फोर्ट विलियम कॉलेज में इन 4 शिक्षकों ने, जो केवल इसलिए रखे गए थे कि ये अंग्रेजों को हिंदी सिखाने के लिए अनुवाद का कार्य करें, उन्होंने हिंदी की नींव डाली थी। अंग्रेजों के सामने ही हिंदी की नींव पड़ चुकी थी। आज नई शिक्षा नीति का अगर आधार मैं बनाना चाहूं या आपको बताना चाहूं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मेरे यशस्वी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जो दृढ़तम आधार दिया है, वो आधार है राष्ट्रीयता। हमने राष्ट्र को कभी शिक्षा नीति के आधार में मूल में रखा ही नहीं था। जवाहरलाल नेहरू स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू या भारतीय मानते थे, मूल रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को उन्होंने हमेशा अंग्रेज माना। केवल 2 वर्ष, संभवतः 2 भी कम थे, लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, जो बनारस विश्वविद्यालय से संस्कृत में आचार्य थे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि देश के उस यशस्वी प्रधानमंत्री को काल ने अपने पास बुला लिया, और उसके बाद एक और प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी आए, जिन्होंने राष्ट्र संघ में पहली बार जाकर हिंदी के गौरव को स्थापित किया था। और उसके बाद 2014 में जब सत्ता बदली, तब लगा कि अब हम सचमुच एक राष्ट्र बने हैं। और राष्ट्र बनने के बाद 34 वर्षों के अंतराल के बाद हमें नई शिक्षा मिली, नई शिक्षा नीति मिली। मैं नई शिक्षा नीति पर अपनी कोई बात कहूं, उससे पहले आज अपने साहित्यकार शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की 4 पंक्तियां आपको देना चाहूंगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी पुस्तक खड़े हुए प्रश्न का दिल्ली में जब लोकार्पण किया, उस समय ये 4 पंक्तियां जब मेरे यशस्वी शिक्षा मंत्री ने कही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गदगद होकर कहा था कि निशंक तुम सच्चे भारत माता के सपूत हो। वो पंक्तियां मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। अभी भी है जंग जारी, अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है। आप इन पंक्तियों में हमारे देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री के चिंतन को पाएंगे। अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। किया है बलिदान जीवन, किया है बलिदान जीवन, दुर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा
कहता हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है। जो व्यक्ति वतन से ये कह सकता है कि तुझसे बड़ा कोई नहीं है, वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वर्तमान शिक्षा नीति का सृजनकर्ता हो सकता है। मित्रों, शिक्षा नीति तो थी, हम पढ़ रहे थे, निरंतर विश्वविद्यालय और विद्यालय शिक्षित कर रहे थे, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या के बाद अनायास आकाश में उड़ते हुए उनके पुत्र राजीव गांधी को जब प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो राजीव के सामने एक ही शिक्षा मंदिर था, देहरादून का दून स्कूल, जहां केवल अंग्रेजी थी, जहां केवल अंग्रेजवादी संस्कृति थी, और उनके सलाहकार सैम पित्रोदा, जो आज कहा जा सकता है कि काले अंग्रेज को अगर देखना हो तो सैम पित्रोदा को देख लिया जाए, उन दोनों ने जिस शिक्षा की कल्पना की, सबसे पहला परिवर्तन किया, शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया। आप जानते हैं संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्सेस। हमें कोई मकान बनाना है तो ईंट, गारा, लोहा, ये सब लाना पड़ेगा, वही संसाधन थे। और उस समय राजीव गांधी और सैम पित्रोदा के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मतलब था कि मेरे विश्वविद्यालयों से अब विद्वान नहीं निकलेंगे, बल्कि संसाधन के रूप में युवाओं को हम शिक्षित करेंगे, और वो युवा क्या करेंगे, भारत में नहीं रहेंगे, विदेशों में जाकर बड़े बड़े पैकेज लेंगे और यहाँ से प्राप्त शिक्षा का लाभ विदेशों को देंगे। और तब राजीव गांधी के सामने दो भारत आ गए थे, एक इंडिया था, दूसरा भारत था। इंडिया को वो शिक्षा दी जा रही थी जो विदेशों में जाकर अमेरिका को समृद्ध करे, जो विदेश में जाकर यूके को समृद्ध करे, जो विदेशों में समृद्धि दे, और अपने भारत को वो शिक्षा दी जा रही थी जो यहाँ जाकर व्हाइट कॉलर्ड बेरोजगार पैदा करे। मित्रों, क्या आपने सोचा कि मेरे देश का बीए किया हुआ विद्यार्थी क्यों कुछ नहीं कर पाता? क्योंकि प्रधानमंत्री का जो एक नया आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न आया है, उस आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को हमने कभी अपनी शिक्षा नीति से जोड़ा ही नहीं था। आज एक बहुत बड़ी बात हुई है कि हमने राष्ट्रपिता को 30 जनवरी 1948 पर उनकी मृत्यु के बाद राजघाट में सुला दिया था। राम हे राम उनकी समाधि पर लिखने के बाद हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को केवल एक शो पीस बनाकर अपने जीवन में रख लिया था। कोई विदेशी आए तो राजघाट पर जाएगा, हम भी किसी समय कुछ होगा तो राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे। लेकिन इतने वर्षों के बाद महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं आती, और गांधी के पदचिन्हों पर चलने वाले इस देश के नीति नियामकों ने हिंदी को कहां पहुंचाया, ये 70 वर्षों का इतिहास बता रहा है। महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलने वाले व्यक्तियों ने महात्मा गांधी को शिक्षा के संदर्भ में कभी याद नहीं किया। महात्मा गांधी की शिक्षा के 3 H थे मित्रों, शिक्षा के मूल में 3 जब तक आप शिक्षा के द्वारा युवाओं के हाथों को मजबूत नहीं करेंगे, कर्मशील भारत नहीं बनेगा, कर्मशील समाज नहीं बनेगा। महात्मा गांधी ऐसी शिक्षा को कभी भी देश के लिए उपयोगी नहीं मानते थे। दूसरी H था हार्ट, हृदय, संवेदना। अभी मैंने आपको 4 पंक्तियां कही ना, संवेदना खोई नहीं है, मनुष्यता होगी धरा पर। मेरे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ये मानते हैं कि जब तक संवेदनाएं हैं तब तक मनुष्यता इस धरती पर रहेगी। जिस दिन संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन मनुष्यता भी यहां से परे चली जाएगी। ये लिखने वाला व्यक्ति जब शिक्षा नीति बनाता है तो महात्मा गांधी के इन 3 H को शिक्षा नीति का आधार बनाता है। हेड को आप मस्तिष्क मान ले या हेड को आप सीधे सीधे स्वाभिमान मान लीजिए, वो शिक्षा जो हमें स्वाभिमानी ना बना सके, वो शिक्षा जो हमारे भीतर हमारे
अपने आत्मसम्मान को ना जगा सके, वो शिक्षा किस काम की? आज जो नई शिक्षा नीति आई है वो आपको आत्मसम्मान और आपका आत्मनिर्भर भारत की तरफ, आठवीं कक्षा के बाद ये नई शिक्षा नीति प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार कोई ना कोई ऐसा हुनर सिखाने की बात कर रही है, ताकि उस हमने आईआईटी या आईटीआई तो बनाए थे, लेकिन आईटीआई या आईआईटी में कितने इंजीनियर हमने पैदा कर दिए, और जिन्हें पैदा भी कर दिया उन्हें हमने कोट पेंट वाला बना दिया, हमने उन्हें कभी भी कुर्ते पजामे में रहकर वो फावड़ा लेकर खेत में जाकर काम करने वाला किसान नहीं बनाया, हमने बाबू बनाया। इस शिक्षा नीति ने कर्मशील भारत के लिए उन नौजवानों को तो हमने पैदा ही नहीं किया। तो मेरे मित्रों, नई शिक्षा नीति में मूलभूत परिवर्तन किया गया, और वो परिवर्तन क्या था? पहला, इस परिवर्तन ने जो नई शिक्षा नीति में आया है बहुत दूरगामी परिवर्तन किए हैं देश की शिक्षा नीति में। पहली बार कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा हम अपने बच्चों को मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में देंगे। आपने देखा कुछ वर्षों पहले दक्षिण और उत्तर भारत लड़ रहे थे, दक्षिण भारत में हिंदी के नाम पर बोर्ड जलाए जा रहे थे। हम कह सकते थे कि हम लोग दक्षिण भारत हिंदी का विरोधी हो गया था। क्यों? कहा जाता था हिंदी हम पर थोप रहे हैं आप। नई शिक्षा नीति किसी पर हिंदी नहीं थोपती, वो मातृभाषा कह रही है। आप मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दीजिए, क्षेत्रीय भाषा में दीजिए। अब तमिलनाडु कभी ये नहीं कहेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हिंदी हम पर थोप दी। हम कहते हैं आप तमिल में पढ़ाइए, हम केरल वालों से कहते हैं मलयालम पे पढ़ाइए, हम आंध्र प्रदेश वालों से तेलंगाना से कहते हैं आप अपनी तेलुगु में पढ़ाइए, हम कर्नाटक से कहते हैं आपकी कन्नड़ में पढ़ाइए, हम पंजाब से कहते हैं अपनी पंजाबी को शिक्षा का माध्यम बनाओ। शुरू में आप जानते हैं कोई भी बच्चा अगर कहीं सीखता है तो माँ की गोद से सीखता है, इसीलिए उसे मातृभाषा कहा जाता है। मेरे मित्रों, मातृभाषा को शिक्षा का आधार बनाकर इस देश ने बहुत बड़े अलगाव की समस्या को सुलझा लिया है। कैसे? मैं कहूंगा आपसे, मातृभाषा के रूप में हिंदी बेल्ट के 6 राज्य होते थे, नए अटल जी के बाद 9 राज्य हो गए हैं। 9 राज्यों की तो मातृभाषा हिंदी स्वाभाविक रूप से है, और उसके आसपास के राज्य जैसे पंजाब, जैसे बंगाल, जैसे उड़ीसा, ये स्वेच्छा से हिंदी को स्वीकार करेंगे। और मेरे दक्षिण के राज्य कभी भी ये नहीं कहेंगे हिंदी हम पर थोपी जा रही है, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। और उसके बाद हमारे नई शिक्षा नीति में आधार बना है, हमने कहा हम 5 वर्ष फंडामेंटल एजुकेशन देंगे, उसके बाद जो 5 वर्ष होंगे प्रिपरेटरी हम शुरुआत करेंगे, सिखाएंगे, और उसके बाद जो 3 साल है वो मिडिल शिक्षा होगी। यहीं से 8वीं कराने के बाद हम बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कोई ना कोई ऐसा हुनर, कोई ना कोई ऐसा उनको एक ज्ञान देना चाहेंगे, ताकि वे अपने जीवन में, अरे भाई मेरा देश तो 70% ग्रामीण गांव का देश है, पंची ने कहा था है मेरा भारत बसा कहाँ, बसा मेरे गांव में, है मेरा भारत कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। गांव में जाकर अगर हम अंग्रेजी में बात करें, हमने तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली आयोग बनाया था, और ऐसे ऐसे सफेद हाथी के रूप में हमने वहां शब्दकोश बनाकर रख दिए कि उन शब्दकोशों को हम आज तक कहीं पहुंचा नहीं सके। क्यों नहीं पहुंचा सके? क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजी के माध्यम से अपने आप को लोगों के पास तक पहुंचाना चाहा। अगर आप रेलगाड़ी के लिए कोई लौह पथगामिनी बनाएंगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। रेलगाड़ी गांव के व्यक्ति को भी पता है, भले वो उसे गड्डी कहता हो, उसे भी पता है कि ये टिकट, वो टिकट की स्पेलिंग नहीं जानता, लेकिन खिड़की पर जाकर कहता है मुझे भी टिकट दे दो। वो नहीं जानता बोगी क्या होती है, लेकिन अपना सामान वो भी बुग्गी में लाता है। अब आप बोगी का संस्कृत में लाकर कोई शब्द बनाने लगे और वो किसान को देने लगे, स्वीकार नहीं करेगा। उसको वही लाइए जो उसकी स्थानीय भाषा है। तो नई शिक्षा नीति
भाषा के प्रश्न को सुलझा रही है और सबसे बड़ी बात राष्ट्रीयता के स्तर पर नई शिक्षा नीति मेरे देश के अलगाव को दूर कर रही है। आज दक्षिण भारत और उत्तर भारत परस्पर लड़ेंगे नहीं, इसलिए नहीं लड़ेंगे कि अब कोई दक्षिण भारतीय नहीं कहेगा कि हिंदी उस पर थोपी जा रही है। इसके बाद आती है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में बहुत बड़ी बात कही गई है। हमने एक ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया था कि अगर कोई बीएससी करेगा तो मैथ्स ग्रुप लेगा या बायो ग्रुप लेगा, अगर कोई आर्ट्स में आना चाहेगा तो कुछ विशेष सब्जेक्ट्स होंगे उनमें भी ये लेगा तो ये नहीं ले पाएगा। नहीं, क्यों हम किसी व्यक्ति की प्रतिभा को कहीं एक सांचे में ढाल दें? आप तस्वीरों को तो फ्रेम कर सकते हैं लेकिन व्यक्ति की प्रतिभा को फ्रेम नहीं किया जा सकता, वो फ्रेम में नहीं रहती। व्यक्ति की प्रतिभा कहाँ किस तरह जाए? हो सकता है कि वैज्ञानिक बहुत अच्छा संगीतकार बन सकता हो सकता है कि वैज्ञानिक बहुत अच्छा चित्रकार बन सकता हो। आपने उसे डॉक्टर बनाने के बाद उसकी उस प्रतिभा को कुंठित कर दिया है, खो दिया है। इसीलिए नई शिक्षा नीति ये कहती है कि अगर बीएससी करने वाला कोई छात्र संगीत में रुचि रखता है तो विज्ञान पढ़ने के साथ साथ संगीत पढ़ सकता है, कोई उसे मना नहीं करेगा। ये जो एक नई खिड़की खुल रही है नई शिक्षा नीति में आपकी प्रतिभा का सम्मान करने के लिए, ये उच्च शिक्षा को नए आयाम देने के लिए उच्च शिक्षा में परिवर्तन किए गए हैं। मित्रों, अब तक क्या होता था, अगर मैंने बीएससी में, बीए में, बीकॉम में, बीएससी एग्रीकल्चर में कहीं प्रवेश ले लिया है और मैंने एक वर्ष कर लिया है और दुर्भाग्य मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे यहाँ कोई ऐसा संकट आ गया कि मैं दूसरा तीसरा वर्ष नहीं कर पाया तो मेरा पहला वर्ष भी बेकार हो गया। मैं उसे अगर दोबारा आना चाहूंगा फिर शुरुआत करूंगा, फिर एडमिशन लूंगा। नहीं, अब कहा गया कि अगर आपने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया, एक वर्ष पढ़ा है, अब आपको सर्टिफिकेट देंगे, दो वर्ष पढ़ा है आपको डिप्लोमा देंगे, तीन वर्ष आपने पढ़ा है डिग्री देंगे, और अगर आप तीन वर्ष पढ़ने के बाद रिसर्च करना चाहते हैं तो हम एक वर्ष में पहले आपको एमए कराएंगे, जिस विषय में आपको शोध करना है वहां हम आपको एमए कराएंगे। अब आपको दो साल हम एमए के नाम पर लटकाएंगे नहीं। और जो हमने एक प्री पीएचडी के नाम पर एक एमफिल का झुनझुना बच्चों को दे दिया था, नहीं हमें नहीं चाहिए ये झुनझुना, एमफिल को हम बंद कर रहे हैं, हमें एमफिल नहीं चाहिए। अरे क्या था भाई, एमफिल आपने ले लिया और फिलोसफी एमए भी तो था, वो भी तो मास्टर ऑफ आर्ट्स था, आपने फिलोसफी में मास्टर्स कर दिया और उसके बाद आप उसे पीएचडी कराना चाहते हैं। जो उसने एमफिल में किया दो वर्ष बेचारा परेशान रहा, उसके बाद पीएचडी में आपको परेशान कर रहे हैं, एमफिल को हमने खत्म कर दिया। और शोध की दृष्टि में मेरे शिक्षा मंत्री की बहुत व्यापक सोच है। शोध को उन्होंने कहा कि आज तक मैं देख रहा था कि शोध ग्रंथ जो लिखे जाते हैं वो छपते नहीं, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरियों में रख दिए जाते हैं, और अब तो ये देखा है कि जो रिसर्च सेक्शन होता है थीसिसें उसमें पड़ी रहती हैं, लाइब्रेरी में रखने के लिए भी जगह नहीं बची। आप मुझे बताएं क्या फायदा है ऐसी पीएचडी का, जिस पीएचडी को हम किसी दूसरे तक पहुंचा भी नहीं सकें, केवल हमें हम अपने सामने डॉक्टर लिखने का एक गौरव मिल गया। मैंने पीएचडी कर ली, कैसे कर ली ये पता नहीं, क्या कर लिया पता नहीं। अब यूजीसी आपको जूनियर फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप दे रही है, आपका उच्च अध्ययन संस्थान पीएचडी के बाद आपको अपनी रुचि के अनुसार शोध करने की सुविधा दे रहा है, इससे बड़ी क्या चीज होगी। ये सब मिल रहा है, शोध पर मेरे डॉक्टर निशंक का सबसे बड़ा ध्यान गया है। एक बार निशंक जी ने अपने एक व्याख्यान में कहा कि वो यूक्रेन गए, यूक्रेन में उन्होंने देखा कि मेडिकल के जितने भी छात्र थे वो सब भारत के थे। बोले मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मेरे भारत के छात्र यूक्रेन में आकर मेडिकल कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा यहाँ पढ़ाने वाले कौन हैं, कि जितने पढ़ाने वाले वो भी सब भारत के हैं, भारत से आकर वो लोग यहाँ यूक्रेन की इस यूनिवर्सिटी में भारत के ही शिक्षक, भारत के ही विद्यार्थी को भारत में ना पढ़ाकर यूक्रेन में पढ़ा रहे हैं। बोले गुरुजी उस दिन मेरे मन में आया कि मैं यूक्रेन में ले जाकर अपने विद्यार्थियों को अपने ही शिक्षकों से पढ़वा रहा हूँ, तो भारत में ये शिक्षक मेरी प्रतिभा भारत में ही क्यों नहीं मेरे भारत के युवाओं को उच्च शिक्षा दे। यहाँ से शोध की बात शुरू होती है। आज आप जहाँ भी देखिए मेरा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विदेशों में शिक्षकों को भेजता है जो हिंदी पढ़ाएंगे,
हम लोग वहां हिंदी पढ़वाते हैं केवल इसलिए कि हम अपनी भाषा अपनी संस्कृति सब दे सकें। और इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि मेरे इस नई शिक्षा नीति का अंतिम अपनी बात कहते हुए मैं एक और विशेषता की तरफ ध्यान देना चाहता हूं। मेरे शिक्षा मंत्री संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं और सेवक भी हैं, और यही कारण है कि अपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड की दूसरी भाषा संस्कृत को घोषित किया था, और आज नई शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन उन्होंने किया है और उन्होंने कहा कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, पर्शियन, इनमें भी उच्च स्तरीय शोध कराए जाएंगे। माने जो लुप्त होती हुई भाषाएं हैं उनको संरक्षण अगर मेरा भारत ही देगा, अपने पुरखों को हम सम्मान नहीं देंगे, अपने पूर्वजों को हम सम्मान नहीं करेंगे, तो वर्तमान पीढ़ी कैसे जाएगी कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। यही प्रश्न थे जिसे मेरा राष्ट्र कवि कहता था, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति छोटी मोटी शिक्षा नीति नहीं है। इस शिक्षा नीति ने आपको मानसिक गुलामी से स्वतंत्रता दी है, खास तौर से वैश्विक उपनिवेशवाद से आपको निकालकर भारतीयता की उस स्वच्छ हवा में आने का एक संदेश दिया है, एक निमंत्रण दिया है कि आप भारत को जान सकें, भारत को पहचान सकें। अभी हमारे निदेशक महोदय ने कहा था कि आज हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री और साहित्य साधक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को यूके वातायन शिखर सम्मान 8:30 भारतीय समय अनुसार दिया जा रहा है। इसे उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट कहा है। देखिए, ये तो अंग्रेजी का मुहावरा है। अभी तो मेरे निशंक जी को साहित्य में इतना लिखना है कि वो इस देश के यशस्वी साहित्य साधकों में गिने जाएंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, और जिस रूप में वो मुझे स्वीकार करते हैं उस रूप में मैं उन्हें आशीर्वाद भी देता हूं कि उनका ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन सके। और इससे मैं आप सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज अपने स्थापना दिवस पर यहां निमंत्रित किया और हमारी नई शिक्षा नीति के विषय में आपसे कुछ बात करने का मौका दिया। निदेशक महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं, यहां के अध्यक्ष प्रोफेसर कपिल कपूर जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं। उनके दर्शन मैं करना चाहता था, नहीं कर सका, लेकिन फिर कभी शायद मैं उनके दर्शन कर सकूं। इसी आशा के साथ मैं आप सबका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जब हम लोग ग्वाडलाहारा मेक्सिको में मिले थे तब मुझे ये याद आ रहा है कि हम सुबह सुबह निकलते थे, वेन्यू तक पहुंचते पहुंचते हमें गुरुजी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते थे, चुटकुले सुनाते थे और बहुत सीख भी मिलती थी। और सबसे अच्छी बात, हमेशा सकारात्मक, हौसला अफजाई। कोई डिप्रेस्ड हो तो भी गुरुजी उनके स्पिरिट्स को बहुत ही ऊंचा कर देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज भी आपने हमें उसी ऊँचाई पर हमें आप ले गए और उसी आकाश को आपने हमें स्पर्श करवाया। अब हम हमारे दिग्गज और बहुत ही यशस्वी और बहुत ही प्रिय शिक्षा मंत्री जी माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमें संबोधित करें। मंत्री महोदय जी, मैं तो सामने बैठ के सुनूंगा। नहीं, मैं आपको अच्छा यहां से दिखाता हूं। सर हमें सुनाई नहीं दे रहा है, आप
आपकी तरह से म्यूट करना है, अनम्यूट करना है सर आपको, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अब आप आवाज आप आ रही है, मतलब जी सर आ रही है, अब आ रही है जी। ओके, आप कपिल कपूर साहब अध्यक्ष जी, कपिल जी। जी सर, जी सर, नमस्कार, नमस्कार जी, हाँ नमस्ते, नमस्कार सर। नमस्कार। आज आज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ। इस संस्थान के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर कपिल कपूर जी, संस्थान के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी, और इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मकरंद आर परांजपे जी, और आज विशेष करके जिनको आज यहाँ संस्थान में बुलाया गया, हमारे गुरुजी आदरणीय योगेंद्रनाथ शर्मा जी, सभी अध्येता वर्ग, अधिकारी गण, कर्मचारी वर्ग और सभी उपस्थित भाई बहनों, मुझे लगता है कि इस समय पूरे देश और दुनिया से तमाम इस संस्थान के साथ जो लोग जुड़े होंगे वो सभी आज इस बात को लेकर के गौरवान्वित होंगे, हर्षित होंगे कि आज ये संस्थान अपना 55वां स्थापना दिवस मना रहा है, और मैं इस अवसर पर आपके साथ जुड़ करके आपकी इस खुशी में सम्मिलित होकर के आपको बधाई देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय उच्च संस्थान का यदि इतिहास देखेंगे तो इसका लंबा इतिहास है, लेकिन यदि उसके बाद इसको शुरू करेंगे कि केवल राष्ट्रपति जी का आवास था और राष्ट्रपति जी के आवास के बाद ये भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के रूप में, केंद्र के रूप में हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने किसी मकसद से, किसी विचार से, किसी बड़े ध्येय से इसको भारत के उच्च अध्ययन का केंद्र बनाया। और जैसे प्रोफेसर कपिल कपूर जी ने भी कहा कि इसके पीछे क्या ध्येय था, क्या लक्ष्य था, इस देश को क्या जरूरत है और किस अध्ययन के बाद इसको किधर लेकर के चलना है, ये उन तमाम बिंदुओं के साथ शायद इसका जन्म हुआ होगा। मैं थोड़ा सा, क्योंकि समय इसके 55वें वर्ष पर हम लोग विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए हैं,
हम जहाँ एक दूसरे को शुभकामना भी देना चाहेंगे वहाँ ये अवसर हम लोगों के लिए 55 वर्ष के आत्मविश्लेषण और भविष्य का रास्ता तय करने का भी है। पीछे 55 वर्षों में हमने क्या खोया है और क्या पाया है, और अब जहाँ पर हम खड़े हैं अब हमारी दिशा क्या है, होनी चाहिए कहाँ है, कि जो जिस दिशा में है वो दिशा में क्या और आगे बढ़ना है, या कुछ चीज़ों को और जोड़ना है, या जिस गति से हम चल रहे वो ठीक है, या हमको गति कई गुना बढ़ानी है और किस क्षेत्र में बढ़ानी है। यदि 3 चीज़ों पर मैं ध्यान केंद्रित करूं कि भारतीय, दूसरा है उच्च अध्ययन और तीसरा है केंद्र। ये जो भारतीय है, ये जो भारत है, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि भारत माने क्या, तभी तो उसका अध्ययन करेंगे, तभी तो उच्च अध्ययन की बात होगी। किस भारत के उच्च अध्ययन की बात करना चाहते हैं, कौन है भारत, क्या है भारत, कहाँ है भारत, कैसा था भारत, वो कहाँ गया भारत, जो वर्तमान भारत है वो भारत वो ठीक है, या उसको और वो भारत बनाना है जो विश्व गुरु था, जिसके बारे में एतद् देश प्रसूतस्य सखा साधग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्यां सर्वमानवः, वो भारत जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जहाँ पूरी दुनिया के लोग ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, जीवन का आचार विचार, दर्शन और व्यवहार सीखने के लिए आते थे, वो भारत जो तकनीकी के क्षेत्र में, जो भारत विज्ञान के क्षेत्र में, जो भारत अनुसंधान के क्षेत्र में, जो भारत ज्ञान के क्षेत्र में, यदि मैं उस भारत की बात करूं तो क्या ये संस्थान इस बात की आज संकल्पना ले सकता है और लेना चाहिए कि हाँ मुझे जरूर वो भारत चाहिए जो भारत विश्व में गुरु है, जिस भारत ने पूरी दुनिया को लीडरशिप दी है, जिस भारत ने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया, वो भारत क्या भारत था, किस रास्ते से उसने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया, और यदि वो जैसे अभी गुरुजी ने कहा और सभी ने प्रोफेसर कपूर साहब ने भी कहा, डॉक्टर ने भी कहा कि अंततो गत्वा, यदि पीछे के समय में हमारी गुलामी के कारण हमारी जड़ों से हमको खत्म किया गया, और जिस चीज पर लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि इस देश पर यदि राज करना है तो यहाँ की संस्कृति, शिक्षा और भाषा तीन को बदल दो, अपने आप देश बदल जाएगा। अब उस पे पीछे नहीं जाना चाहते हम, रोक करके कोई फायदा नहीं, अपने को कोस करके भी कोई फायदा नहीं, लेकिन आज हम स्वाधीन हैं, हमको स्मरण तो करनी पड़ेंगी ये बातें कि वो भारत चाहिए मुझको जिस भारत की जड़ों को काट करके इस भारत को चौराहे पर खड़े करने की कोशिश की गई थी। आज हम स्वाधीन हैं, देश की आजादी के 70 वर्षों बाद, ठीक है 185 वर्षों की थपेड़े हमने झेले हैं, ले और 100-150 वर्ष कम नहीं होता, एक वर्ष में ही असर पड़ता है, एक घंटे में ही व्यक्ति के साथ चर्चा करते हैं तो विचार बदलते हैं, या तो 100-150 सालों तक तमाम थपेड़े खाए हैं। मैं मानता हूं मैं उनको कोई दोष नहीं देता, जब मैं चरक की बात करता हूं लोग हास्यास्पद स्थिति की बात करते हैं, जब इस देश में बात होती है सुश्रुत की तो भी लोगों के समझ में नहीं आता, पीढ़ी के समझ में नहीं आता, तो उसमें दुख करने की जरूरत इसलिए नहीं कि हमने बताया ही नहीं अभी तक, आखिर वो प्रतिक्रिया तो करेंगे करेंगे, उनको क्या पता कि भास्कराचार्य क्या थे, क्या किया भास्कराचार्य ने, आर्यभट्ट ने क्या किया, क्या पता है उन्होंने, उनको क्या पता कि नागार्जुन रसायन शास्त्री कितने महान रसायन शास्त्री थे, कब बताया हम बौधायन के बारे में, कब बताया हमने उनको। तो मैं इस संस्थान के अध्यक्ष जी से, इस संस्थान के निदेशक से, विशेष करके इस पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो पूरी टीम है उससे अनुरोध करूंगा कि एक बार ताकत के साथ खड़े होकर के, ये जो छुटपुट प्रयास है ये तो होते रहेंगे, लेकिन एक बार ताकत के साथ उस भारत को स्मरण करने की जरूरत है, और फिर उस बात को ताकत के साथ, उस बात को संकल्प के साथ, उस बात को जुनून के साथ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसे रास्ते में
तमाम प्रकार की कठिनाई आती हैं, जो अपने को तथा कथित मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उनको दोष नहीं देता, उनके सामने विकल्प का विचार भी नहीं। इसलिए जो वास्तविकता से परे उन लोगों को लगा कि भारत ये उपनिवेशवाद का खिलौना बन करके जिस तरीके से हमको किया गया, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चौतरफा तरीके से वही भारत जो भारत था उस दिशा में आगे बढ़ने की मतलब लेकर के आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या वेद पुराण उपनिषद आयुषो वेद आयुर्वेदा ये क्या इस पर कुछ ज्ञान विज्ञान है इसके अंदर? क्या ये उच्च अध्ययन का केंद्र होना चाहिए कि नहीं? इन पे उच्च 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 परामर्श होना चाहिए कि नहीं? इन पे उच्च अनुसंधान होना चाहिए कि नहीं? यदि उन वेद के विचारों से दुनिया के लोगों ने तमाम तमाम प्रकार के शोध और अनुसंधान किए तो हमारी धरती से पैदा होने वाले वो ऋषाएं उन पर क्यों नहीं हम अनुसंधान करते हैं? क्यों नहीं उनको हम नए प्रदेश में नवाचार के जाना चाहते हैं? हम तो वैसे भी पूरे विश्व में हमने पूरी वसुधा को हमने अपने कुटुंब माने। कौन दुनिया का देश है इतना बड़ा विचार हो जिसके पास? हमने विश्व बंधुत्व की बात की है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, और केवल बात ही नहीं की है, हमारा संकल्प रहा है सर्वे वसु सुखिना सर्वे संतु निरामया। कि नहीं, धरती पर जब तक एक प्राणी भी दुखी होगा तब तक वसु का एहसास नहीं कर सकता। हमने माता भूमि पुत्रों हम प्रतिज्ञा कर पूरी धरती, ये पूरी धरती है हमारी माँ है और इसका पैदा होने वाले हर जीवन हमारा अंग है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ आज जरूरत आ गई, आज इस बात की जरूरत आ गई कि जो ये इतना बड़ा केंद्र जो राष्ट्रपति निवास को अध्ययन केंद्र के रूप में उस विजन के साथ कि नए भारत के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी यहाँ पर, ये छोटा संस्थान नहीं मान सकता मैं। महत्वपूर्ण संस्थान है हमारा, ये देश को दिशा और दर्शन देने वाला संस्थान बनना चाहिए। कौन सा है क्या अभी तक बहुत सारे तमाम और तमाम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन आकर के किया है, ने विचार दिए होंगे, ने दर्शन दिया होगा, और मुझे भरोसा है कि ये अभियान आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या वो जो भारत है जो विश्व में गुरु रहा है, जिस भारत ने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है, आर्यभट्ट पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा यदि भारत आर्यभट्ट यदि पैदा नहीं होता और गणित और शून्य हम नहीं देते तो न जाने हम कहाँ रहते। आयुषो वेद आयुर्वेद के पीछे आज पूरी दुनिया आकर के खड़ी हो गई है। वो चरक ऋषि के जितने ग्रंथ है उन पर अध्ययन करके उच्च अध्ययन करके क्यों नहीं पूरी दुनिया के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती? जब हम ये कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, हम करेंगे स्वास्थ्य की रक्षा। हमारे पास तन और मन को ठीक करने के लिए दुनिया के लिए मादा है, तन को ठीक करने के लिए हमारे पास संजीवनी बूटियां हैं वो आयुर्वेद है, और मन को ठीक करने के लिए हमारे पास अध्यात्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी चेतना है। हमारा तो जो गीता भी है वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। हमने ये शरीर को तो वासान से जीर्णानि यथा व्याया कह करके कहा है कि जैसे पुराने कपड़ों को बदल करके हम नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ये आत्मा पुरानी जगह छोड़कर नई जगह प्रवेश करती है, और वो तो मरती नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपको न शोषयति मारुता। ये हमारा दर्शन, ये दर्शन है हमारे, हमारे चिंतन है हमारे। चाहे बौद्ध दर्शन जितने भी दर्शनों को देखें दुनिया तो उसकी छोटे से एक हिस्से में भी नहीं आती है। हमारा चिंतन बड़ा गहन चिंतन है, हमारी ऊंचाइयां हैं, हम पूरे विश्व को पूरे ब्रह्मांड को अपना मानते हैं। जो विश्व को अपना मानता हो जिसके कोई लकीर न खींच सके कोई, उसका चिंतन और मंथन कितना होगा। हमारे कवियों ने भी कहा अरुण जब दुनिया की जरूरत हुई क्या
चक रहा है आल्बर्ट गणितज्ञ भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र का जो है ज्ञाता रहा हो ऋषिकणाद अण और प्रमाण उस ऋषिकणाद के उस मिशन को आगे बढ़ाने की बात हो, भास्कर आचार्य जैसे खगोल शास्त्र जो गणितज्ञ उन पर किस सीमा तक अध्ययन करने की जरूरत है, ये रेखागणित और त्रिकोण ये श्री राम तो ये बौद्धायन इसी धरती पर हुआ। दुनिया का शायद भाषा वैज्ञानिक होगा जो पाणिनि के साथ टिकता होगा, तो पाणिनि का भाषा ज्ञान है, का योग और शास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये हमारी थाती है, पाराशर की कृषि है, किस क्षेत्र में हम पीछे हैं। तो मुझे लगता है क्या मेरा ये संस्थान जो एडवांस स्टडी सेंटर है, जो उच्च अध्ययन का केंद्र है, मेरे भारत मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की जरूरत है, ऐसा भारत जो सुंदर हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, श्रेष्ठ हो और एक हो, ऐसा भारत चाहिए। और उस भारत के लिए मैं इधर तकनीकी की दिशा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप जैसे रास्ता दिया है। और आपको याद होगा कि शोध और अनुसंधान की दिशा में बस यही एक कमजोर पक्ष हमारा है, उसको भी ये संस्थान यदि पुख्ता कर देगा तो हम तो वैसे ही विश्व में छलांग मारेंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये शोध और अनुसंधान की संस्कृति पीछे के समय में थोड़ा सा काम हुई, जिन चीजों पर शोध और अनुसंधान होना चाहिए था हम वहीं खड़े रहे और हमारी चीजों को लेकर लोग शोध करते रहे और वहां से फिर हम उनसे मांगते रहे, जब वो बोलते हैं तो जाकर हम उसको हाँ बोलते हैं। और इसलिए इस समय जरूरत है, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति के तहत जहाँ सब लोगों ने अभी कहा है, मैं तो कपिल जी का आभारी हूँ कि कपिल कपूर जी ने इस नई शिक्षा नीति में हमको बहुत मदद किया है, हम लोग परामर्श शायद पूरी दुनिया की सबसे बड़ा परामर्श होने वाली ये शिक्षा नीति है, सारी दुनिया में इससे बड़ा कभी नीति पर परामर्श हुआ। 33 करोड़ छात्र, 1000 विश्वविद्यालय, 45,000 डिग्री कॉलेज, 1,10,00,000 अध्यापक और 33 करोड़ छात्र छात्राएं, 15 से 16 लाख स्कूल और उनके अभिभावक, ये है परामर्श। गांव से लेकर के और संसद तक, ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक, शिक्षक से लेकर के शिक्षाविदों तक, विशेषज्ञ से लेकर वैज्ञानिकों तक, कौन सा क्षेत्र, कौन से लोग हमने छोड़े हैं, इतने व्यापक परामर्श के बाद। लेकिन हाँ, हमने तय किया था ये भारत केंद्रित होगी, भारत वो भारत जो विश्व में सबसे श्रेष्ठ था, आज भी मेरा भारत विश्व में श्रेष्ठ है। और इसलिए वो ये जो शिक्षा नीति है ये आमूल चूल परिवर्तनों के साथ आई है, इसकी खुशबू को बिखेरना चाहिए। ये 10+2 को हमने खत्म कर दिया, 5+3+3+4 लिया है, अब 5 को भी 3+2 में कर दिया। ये 3 वर्ष का बच्चा जो जिसको 3 वर्ष से 6 वर्ष तक जो 85% तक वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका बुद्धि का विकास होता है, हम उस अवसर को भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। हमने वहां से शुरू किया है, खेल खेल में शुरू करना चाहते हैं, ये सोच क्या रहा है किधर जाना चाहता है, उसी के पीछे दौड़ करके उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए और दुनिया का पहला देश होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कूली शिक्षा से पढ़ाएगा। और जो जिसकी बात अभी वोकेशनल की बात हुई, जिस भारतीय ज्ञान परंपराओं की बात हुई, क्या परंपराएं थी हमारी, अभी भाषा की बात हो रही थी, मातृभाषा में जो अभिव्यक्ति बाहर निकल सकती दूसरी भाषा में हो ही नहीं सकती। और इसलिए जो मातृभाषा हमारी कितनी खुशबूदार 22 भारतीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, क्या पंजाबी, कितनी 22 खूबसूरत भाषाएं हैं। और केवल भाषाएं नहीं, उनमें ज्ञान है, विज्ञान है, अनुसंधान है, उनमें आचार है, विचार है, व्यवहार है, उसमें परंपराएं हैं।
उसमें हमारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको उठा करके जो आत्म भारत आत्मनिर्भर भारत की मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने बात की उसको उठा करके आगे लेकर के जा सकते। इसलिए कक्षा छह से ही हमने ओके स्ट्रीम और इसे को योद्धा बनाने की दिशा में जाओ, किधर जाना चाहते हो तो भी छोड़ विषय लेना तो दौड़ो पूरा मैदान खाली। ऐसा मूल्यांकन नहीं, एक योद्धा की तरह उसका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन होगा, उसका अभिभावक भी करेगा, वो स्वयं भी करेगा, उसका साथी भी करेगा, उसका अध्यापक भी करेगा, तब जा करके होगा कि हाँ ये इसका समग्रता आ रही है कि नहीं आ रही है। हम केवल अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान का पुंज थैला भर करके हम खड़ा नहीं करना चाहते। हमने उसको इस देश में केवल आंकड़े और डिग्री लेकर के और नौकरी के लिए दर दर भटकने वाला नहीं बनाना है। हमने तो इस देश का एक उत्कृष्ट नागरिक बनाने के साथ उसको विश्व मानव बनाना है, पूरी दुनिया का लीडरशिप ले सके वो। और मेरे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है उनको इस बात को, आखिर विश्व में हम देने के लिए पैदा हुए हैं, भारत के लोग, हमें देने का सामर्थ्य है, क्षमता है, हमारा विजन है, मिशन है, हमें ताकत है, हमें ज्ञान है, विज्ञान है, अनुसंधान है, उसको नवाचार के साथ लेकर के आगे बढ़ने हम स्कूली बच्चे को भी अब सर्टिफिकेट ये नहीं देंगे कि ये रिजल्ट कार्ड नहीं देंगे, अब प्रोग्रेस कार्ड देंगे। प्रोग्रेस क्या हुई है, वो है उसका प्रोग्रेस कार्ड, रिजल्ट कार्ड नहीं, प्रोग्रेस कार्ड देंगे। और यदि उच्च शिक्षा में, जैसे अभी गुरुजी ने भी बताया कि सारे के सारे विषयों को आप खुला छूट दिए और जब चाहे तब आ सकते हैं, जब चाहे तब जा सकते हैं, ये क्रेडिट बैंक बना दिया तुम्हारा, वो बैंक में जमा रहेगा, जब आओ तुम्हारा समय आपकी जिंदगी का एक एक मिनट हम संजो करके रखेंगे, आपका एक एक शब्द हम संजो करके रखेंगे, हमारे देश की जो निधि है उस निधि का एक एक शब्द एक एक क्षण हमारे लिए पूंजी है। लेकिन तब चिंता की लकीरें होती हैं, माथे पर आते हैं, जब इस देश का शोध और अनुसंधान की दिशा में जब देखते हैं, मैं पीछे 1.5 साल से अध्ययन कर रहा हूं, मैं IIT ISER IIIT NIT विश्वविद्यालय तमाम विश्वविद्यालयों के और तमाम संस्थानों के शोध और अनुसंधानों को देख रहा हूं, मैं निकालता हूं, बताओ कितने शोध हुए हैं, क्या क्या शोध हुए हैं और धरती पर कितने क्रियान्वित हुए हैं, जो लंबे समय तक शोध, जो समय, शक्ति और पैसा, इन तीनों को समाप्त कर रहा हो और उसका रिजल्ट यदि 10% भी मेरी धरती पर ना हो तो उस शोध का क्या करना है। आखिर इस पे तो विचार करने की जरूरत है और मुझे भरोसा है कि हम इस नई शिक्षा नीति में हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लाए हैं, पूरी क्या अनुसंधान के संस्कृति को लेके आए हैं, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में पूरी अनुसंधान की संस्कृति होगी हमारी, हम शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे, हम इस दौड़ को, ये जो पैकेज की दौड़ को छोड़ करके पेटेंट की दौड़ को आगे बढ़ाएंगे, हम पेटेंट भी करेंगे, हम टैलेंट भी देखेंगे, हम टैलेंट की खोज भी करेंगे, वो टैलेंट को विकसित भी करेंगे और टैलेंट का विस्तार भी करेंगे, हम टैलेंट भी करेंगे और पेटेंट, टैलेंट और पेटेंट दोनों का हम समन्वय करेंगे। और इसलिए तकनीकी की दृष्टि से भी जहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की हम स्थापना कर रहे हैं, वहीं नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की भी गठन कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये तकनीकी अंतिम छोर तक के बच्चे को भी उसकी तकनीकी का लाभ मिल सके और उस तकनीकी को हम दुनिया के शीर्ष तक भी लेकर के जा सकें। ये जो नई शिक्षा नीति है तमाम और तमाम प्रकार के परिवर्तनों के साथ ये आई है और मुझे लगता है कि जब हम इस बात को समझते हैं कि जो अगला जो 21वीं सदी वो ज्ञान की सदी है, तो हमारा लक्ष्य ही इस 21वीं सदी के ज्ञान वाली सदी को भारत के लिए संजोने का है, ये भारत को ज्ञान के महाशक्ति के रूप में स्थापना करने का है। अभी
यदि ये नई शिक्षा नीति के बारे में मैं कहूंगा तो ये इंडियन भी है, ये तो भारतीय तो है ही, भारत की आधारशिला पर खड़ी है, तो इंडियन भी है ये, इंटरनेशनल भी है ये, इम्पैक्टफुल भी है ये, इंटरैक्टिव भी है ये, इंक्लूसिव भी है ये, इनोवेटिव भी है, और यदि देखेंगे तो ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर खड़ी है। ये अंतिम छोर के बच्चे पर भी उतना ध्यान देती है जितने शिखर के बच्चे को ध्यान देगी, और इसलिए ये जो बुद्धिमत्ता भी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी जो आर्टिफिशियल है, केवल बुद्धि को बुद्धिमत्ता के रूप में नहीं, उसको कितना विस्तार दे सकते हैं इसकी जरूरत है, और इसी को हम विकसित करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो हमारा ध्येय है वो नेशन फर्स्ट करेक्टर मस्ट, ये करेक्टर और नेशन दोनों जुड़ने चाहिए, हमारा नेशन फर्स्ट है और उस नेशन फर्स्ट के साथ करेक्टर भी मस्ट है, ये हमारे जो चरित्र है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामों ने हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, आप समझ सकते हैं, तो कुछ तो बात है, वो हमारा करेक्टर है, वो हमारी रोगों में बहता वो खून है जो दूसरे के लिए समर्पित होने का रहता है, जिसमें पराकाष्ठा की विनम्रता भी है, प्रखरता भी है, समन्वयता भी है, सहजता भी है, जो सभी गुणों से युक्त है, वो संस्कार है हमारा, और इसलिए इसको हम बचा करके रखना चाहते हैं, इसको पूरी दुनिया को सकारात्मक रूप में देना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि जो ये दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श हुआ है नई शिक्षा नीति का, ये सबसे बड़े परामर्श को, ये जो संस्थान है मेरा, ये संस्थान किस रूप में इसको आगे बढ़ा सकता है, उठा सकता है, मुझे भरोसा है कि ये उठाएगा, बढ़ाएगा, और जो नई शिक्षा नीति है, हम इसके माध्यम से रिफॉर्म भी करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, हम परफॉर्म भी करेंगे, हम तीनों करेंगे और ताकत के साथ करेंगे। ये इसको उसका रास्ता, ये जो रास्ता है जो जो जिस जिस क्षेत्र में है, और क्योंकि ये उच्च अध्ययन केंद्र है मेरा, इसे बहुत आशाएं हैं मेरे देश को, मेरे विचारकों को आशाएं हैं, मेरे वैज्ञानिकों को आशाएं हैं, मेरे समाजशास्त्रियों को आशाएं हैं, मेरे राजनीतिज्ञों को आशाएं हैं, यहाँ मेरे देश के अंदर एक बहुत बड़े विजन के साथ जो शिमला का एडवांस स्टडी सेंटर, जो उच्च अध्ययन केंद्र है, इसकी स्थापना ही, इससे कुछ निकलेगा, देश को मिलेगा जरूर, शोध और अनुसंधान होकर यहाँ से निकलेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ पर टैगोर सेंटर की स्थापना की है। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, जब मैं उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री था, और जब मैं अपने नैनीताल रामगढ़ में गया तो मुझे बताया कि यहाँ पर टैगोर टॉप है, और यहाँ पर बैठ करके उन्होंने गीतांजलि को लिखा। अभी तो लोगों को यही पता नहीं कि गीतांजलि को उन्होंने कहाँ पर लिखा, हिमालय में उन्होंने गीतांजलि को लिखा। ये शांति निकेतन का विचार भी उनको हिमालय में आया, और इसलिए मैंने वहां पर उस समय टैगोर टॉप बनाया था। लेकिन उसके बाद जब मैं इंडोनेशिया गया, एक पुस्तक का मेरा कि एक विश्वविद्यालय में काफी साल पहले वो अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहे थे, तब मेरा इंडोनेशिया जाना हुआ। मुझे अपार खुशी हुई इंडोनेशिया में गुरुदेव के प्रति कितनी आस्था और श्रद्धा है। वो कहते हैं कि यदि रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होते तो इंडोनेशिया आजाद ही नहीं होता। ये हमारे लोगों की पहुंच, आज इंडोनेशिया के लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो जितना बड़े उत्सव मनाते हैं वो देश नहीं मनाता। और ये हमारे हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जैसे लोग थे, मुझे मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने कलाकारों की, कवि की भावना, कलाकार की सृजना, शिक्षाविदों की सोच और दर्शन शास्त्रियों के तमाम प्रश्न और वसुधैव कुटुंबकम की सोच को इस पीठ के माध्यम से आप उभारेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। ये विजन मिशन के रूप में होना चाहिए। ये टैगोर टैगोर की जो आपने ये जो केंद्र बनाया है, सेंटर की स्थापना की है, ये चुप नहीं रहना चाहिए, ये बहुत आगे बढ़ करके इसका काम आना चाहिए। मुझे ये भी खुशी है कि आपने लगभग 2 लाख
से अधिक लेखकों का, कवियों का, सारी पुस्तकों की संपदाओं का एक संरक्षण वहां पर किया है। ये हमारे पास बहुत बड़ी संपदा है। 2 लाख पुस्तकों का पुस्तकालय होना छोटी बात नहीं है, वो भी हिमाचल देवभूमि हिमाचल जैसे स्थान पर। और वहां तो जब मैं आपके संस्थान में, हालांकि मुझे मौका कम मिला था, अचानक ही मैं आया था जब मैं उधर के प्रवास पर था, लेकिन उन चंद क्षणों ने भी मुझे बहुत आकर्षित किया। मेरे मन में बार बार वही घूमता रहता है, आपका परिसर मेरे मन मस्तिष्क में घूमता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो साधना के लिए, सृजन के लिए उसे अच्छा स्थान कोई हो ही नहीं सकता है। और इसलिए मैं राधा कृष्ण जी को याद करता हूँ, उनके चरणों में मैं अपना प्रणाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सोच करके राष्ट्रपति निवास नहीं बल्कि ऐसे हर हर एक व्यक्ति राष्ट्रपति से भी ऊपर जाकर के विश्व की संरचना की दिशा में अपना योगदान दे सकता है, ये उनकी आधारशिला रखी है। और छोटी बात नहीं है, हमको उसी हाइट में इसको बढ़ाना है, हमको उसी दिशा में इसको लेकर के जाना है। हम दुनिया को बताएंगे कि और लोगों ने ऐसा किया, लेकिन हमारे एक राष्ट्रपति ये भी थे जो अपना निवास अध्येतों को दे करके ये कहा कि नहीं, विश्व में भारत का संदेश जाना चाहिए, यहाँ अध्ययन होना चाहिए, यहाँ ऐसा अध्ययन होना चाहिए जो हमारे संस्कारों को, हमारे परंपराओं को, हमारे ज्ञान को, हमारे विज्ञान को, हमारे अनुसंधान को संजो करके, अध्ययन करके और उसको विश्व के फलक पर उसकी खुशबू लेकर के जा सके। और इसलिए मैं जरूर चाहता हूँ कि राधा कृष्णन जी ने जिस दिन ये निर्णय लिया होगा, उस दिन भी कपिल कपूर जी और निदेशक जी ये कोई ना कोई कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा मन था, उन्होंने जिस मन के साथ ये विचार किया उस विचार को आगे बढ़ना चाहिए। वर्ष में एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जरूर। मैं चाहूंगा कि वर्ष में आप 5 कार्यक्रमों को करिए और पूरे देश और दुनिया को जोड़े। हम शोध और अनुसंधान की दिशा में दुनिया के जो अभी हम 127 विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े हुए हैं, हम इस पार्क के साथ उनके साथ शोध कर रहे हैं, हम इम्प्रिंट है, इम्प्रेस है, हम स्टार्स है, हम स्ट्राइड है, इसके साथ हम शोध कर रहे हैं। आदि की सत्य अहिंसा प्रेम याद आता है। आज दुनिया को ये दुनिया प्रगति के रूप में जब सत्य अहिंसा प्रेम और उसका रास्ता भारत से ही होकर के गुजरता है और कहीं से होकर नहीं गुजरता, ये भारत के लोगों को भी महसूस होना चाहिए, ये दुनिया को महसूस कराना। दुनिया तो स्वयं महसूस करती ही है, लेकिन कई बार हम अपने को खुद भूल जाते हैं तो ये कठिनाई होती है। तो हमको अपने को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कमियां हर व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं। यदि आज मैं ये महसूस करूं कि कमियां हो गई हैं, चूक हो गई, उसको सुधार करना है, तो जब रात खुलती है दिन तभी होना चाहिए। एक आदमी 2 पहरी में भी जबरदस्ती सो रहा है उसके लिए तो हमेशा रात है, लेकिन यदि एक रात में भी जग करके काम करना चाहता है तो उसके लिए वो सुबह है। इसकी जरूरत है। इस अंधेरे को चीर करके हमने तो अस्तोमा सदगमय की हमेशा बात की, हमने तमसोमा ज्योतिर्गमय की बात की। हम तमस को हारेंगे, ये जो अंधकार को उसको चीरेंगे, हम अंधकार में भी रोशनी लाएंगे। ये है हमारा विचार। इस विचार को किस सीमा तक पुख्ता हम कर सकते हैं, इसकी जरूरत है। मुझे भरोसा है कि ये गांधी जी का और जो 2-3 आपने सुझाव दिए हैं ना, उस दिशा में आप काम करेंगे और हिंदुस्तान आशावादी सोच के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रिफॉर्म की संस्कृति को हम तेजी से कैसे करके हमको अपने को ठीक करना है। हर मनुष्य की, हर समाज की, हर देश की कुछ ना कुछ कमियां होंगी, लेकिन वो हमारी अपनी है, चाहे व्यक्ति हैं हम, चाहे संस्था हैं और चाहे समाज है। हम अपने को अपने आप ठीक करना चाहिए, हमको अपने को अपने आप ही ठीक करना चाहिए। और जिसकी जो कमी है यदि उस दिन दूर हो जाए और ये अहंकार की भावना खत्म हो जाए दुनिया से,
तो उस दिन खत्म हो जाएगी, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। समस्याएं तो यही खड़ी है, केवल समस्याएं तो पैदा की गई हैं, समस्याएं है नहीं। तो पहले तो समस्याओं के निदान की ओर जाना है हमको, हर हालत में कुछ देने के लिए हम आए हैं यहाँ। हम कुछ दे सकेंगे और मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप में जो टीम है यहाँ वो एकजुट होगी, ये उस उद्देश्य की पूर्ति करेगी। जहाँ कम वहाँ हम वाले सिस्टम को अपनाएंगे, जहाँ कमी होगी मैं अपनी कमी को दूर करूँगा, दूसरे अपनी कमी को दूर करेगा, एक दूसरे पर की कमियों को न देकर अपनी कमियों को देखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसे अच्छा क्या अवसर मिल जाएगा कि कपिल कपूर जी बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, हमने तो इनसे मार्गदर्शन लिया है नई शिक्षा नीति में, वो वहाँ पर हैं। चमनलाल जी अभी हम पूरा नहीं सुन पाए उनको, लेकिन वो सुलझे हुए हैं, एक अच्छे विद्वान प्रोफेसर हैं। और डायरेक्टर भी बहुत प्रतिभाशाली है। और अभी इनका समन्वय तो मैं अपने अध्यक्ष जी पर ही छोड़ता हूँ कि सब लोग समन्वय करें, आपकी लीडरशिप में ये संस्था बहुत आगे बढ़े और एक नया इतिहास रचे, ऐसा मेरा भरोसा है कि अच्छा लोग टीम अच्छी है, भावनाएं अच्छी है। हमें एक दो बार मैंने मकरंद को भी पढ़ा और मुझे लगा कि इनकी अपने ढंग की प्रतिभा है। अब ये जितनी प्रतिभाएं हैं सभी संस्थान के लिए होनी चाहिए, यूं करके खड़ा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए मेरा भरोसा है कि जो आज ये यहाँ पर आज स्थापना दिवस हम मना रहे हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे से हम लोग संकल्प लेंगे। आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी भारत सरकार इस काम के लिए, क्योंकि मेरे नए भारत का निर्माण हो रहा है इस काम के लिए, जबकि हमको संकल्प की भी जरूरत है, विजन की भी जरूरत है, मिशन की भी जरूरत है, तब ऐसे संस्थान पहली पहली पंक्ति में खड़े होकर के लीडरशिप ले सकते, ऐसा मेरा भरोसा है। और मैं इस अवसर पर जितने भी अपने अध्येता जितने भी छात्र जुड़े हैं, सो छात्र जुड़े हैं, मैं उनको भी शुभकामना देना चाहता हूँ और उनको आह्वान करना चाहूंगा, आइए आगे, आपकी प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है, देश नहीं अब विश्व कर रहा है, क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति है ये इस देश में शायद देश की आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय, जिसको 99% तक समर्थन मिल गया पूरा। अब वो जो भाषा की बात है कभी विवाद नहीं। और फिर दूसरी चीज लोगों को समझ में आना चाहिए, मैंने लोगों से कहा कि ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी का हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है। आप पूरी दुनिया की भाषाओं को पढ़ाइए, लेकिन पहले मैं अपने देश की भाषाओं को तो पढ़ाऊं, फिर दुनिया में भी जाऊंगा। तो अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं नहीं आप ग्लोबल डॉक्टर निशंक आप अंतरराष्ट्रीय फलक पर तो लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि नहीं अपनी मातृभाषा में शिक्षा हो, तो कैसे हो सकता है ये। तो मैंने उनसे पूछा भाई जापान अपनी मातृभाषा में शिक्षा देता है वो पीछे है, क्या जर्मनी अपनी मातृभाषा में ऊपर तक की सारी शिक्षा देता है पीछे है, क्या ये फ्रांस अपनी मातृभाषा में शिक्षा देता है पीछे है, ये हमारे बाद आजाद होने वाला इसराइल जो खत्म हो गया था, बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, आज इसराइल ने डे वन से अपनी मातृभाषा पर शीर्ष तकनीकी से लेकर वैज्ञानिक और हर क्षेत्र की शिक्षा दी, क्या वो किसी से पीछे। तो फिर इस तरीके का तर्क जिन लोगों के मन में आ रहा है उनको अपना तर्क खत्म करके इस मिशन में जुटना चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है किसी ने आपको ये सवाल नहीं किया, लोग खड़े हैं। मैं देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी शिक्षाविदों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी पार्टियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी राज्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब तो मुझे इस बात की खुशी है कि राज्यों में होड़ लग गई है, राज्य कहते हैं पहले हम नई शिक्षा नीति को अपने यहाँ क्रियान्वित करेंगे। आज जिस स्थान पर बैठे हैं ये शिमला, वहां के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले वहां के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, शिमला के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि मेरा राज्य पहला राज्य होगा जो नई शिक्षा नीति को लागू करेगा। तो मुझे खुशी है,
मेरी मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हिमाचल की उनकी गवर्नमेंट को ये संस्थान भी पूरी ताकत दे ताकि वो उनकी जो मंशा है वो क्रियान्वित हो सके। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। अच्छा आवाज आ रही है सर? सर प्रोफेसर गुप्ता आप कुछ बोलेंगे? आवाज आपकी आ रही है? हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। नहीं मुझे आ रही है आपकी। अनम्यूट करिए। आपको अपने आप को ही अनम्यूट करना होगा सर। किया हुआ कर दिया हुआ। हाँ 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 अब आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी यस सर आ रही है। आ रही है सर आ रही है। परम श्रद्धेय निशंक जी के इस ओजस्वी विचारों तेजक गंभीर चिंतन से भरपूर और भारतीयता को अपनी प्रकाष्ठा के साथ स्वीकृति देने वाले इस भाषण के पश्चात व्याख्यान के पश्चात कुछ भी कहने का अवसर नहीं मुझे लगता। उन्होंने दो बातें बड़ी स्पष्ट की कि ये संस्थान भारतीय विचारधारा को चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए बना और मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेसर कपिल कपूर जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भारतीय चिंतन धारा में भारतीय ज्ञान परंपरा को मुख्य विमर्श में लाने के पुरोधा हैं। भारतीय विद्वानों में जो भारतीय चिंतन परंपरा है भारतीय ज्ञान परंपरा है वो मुख्य विमर्श का बिंदु बने इसके लिए उनका योगदान पूरा देश स्वीकार करता है और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे अध्यक्ष भी हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है हम उस पर चलेंगे और उन्होंने संकेत किया कि ये अवसर है कि हम अपनी उपलब्धियों अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट करें परंतु साथ ही अपनी कमियों के ऊपर अपनी कमजोरियों के ऊपर भी ध्यान दें। निश्चित रूप से हम आपका ये परामर्श भी स्वीकार करते हैं और मैं केवल कवि की चार पंक्तियों में जो हमारे मन की स्थिति है और कवि के मन में उस समय जो स्थिति थी हमारी मनोस्थिति से मिलती है इसलिए चार पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय निशंक जी आजादी के पश्चात देश में जो परिस्थितियां थी उनको लेकर कवि कहता है कविवर देवराज दिनेश की पंक्तियां हैं उपवन में आग लगी माली तू और किसी का नाम न धर। उपवन में आग लगी माली तू और किसी का नाम न धर अपराधी तेरे ही तरुवर लड़ लड़ कर आज जिन्होंने इस उपवन की चिता बना डाली उपवन में आग लगी माली। देश में सांप्रदायिक दंगों को लेकर कहे गए ये शब्द शायद हमारे संस्थान पर भी कहीं ना कहीं लागू होते हैं। मैं इसको मानता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी विद्वान जो इस संस्थान से जुड़े हैं सभी गवर्निंग बॉडी के जो हमारे सदस्य हैं उनकी ओर से भी आप सबका अभिनंदन करता हूं।
और बधाई देता हूं कि आप इस अवसर पर हमारे साथ जुड़े और माननीय निशंक जी ने हमारा जो मार्गदर्शन किया है वो उस उच्च कोटि का है कि हम जीवन भर उसे याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम कार्यक्रम के अंत में पहुंचे हैं। वो राधा कृष्ण मेमोरियल लेक्चर होता है जो पिछले साल ये इको आ रही है सॉरी ये लेक्चर दिया था नेशनल सेंटर ने और दूसरा जो है हमारा टैगोर मेमोरियल लेक्चर पिछले वर्ष माननीय वेंकैया नायडू जी ने और हमारी जो शास्त्रीय गायन है उससे हमने ऑलरेडी पास कर दिया लेकिन एक वर्ष बाद ये हो रहा है उस वर्ष का इस वर्ष का जो रविन्द्रनाथ को नंबर है वो श्री राम माधव जी ने जो और मैं मानता हूँ कि भारत में आप उनका शिक्षा भी बहुत अच्छा है कि एथिक्स ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की नैतिकता इस पर वो भाषण देंगे और उसकी डेट हम बहुत जल्द ही सूचित करेंगे लेकिन उम्मीद है कि 4 दिसंबर को ही हो और वो यहाँ हमारे समक्ष आके ये हम आपसे करवाएंगे जो नाटक और मेमोरियल लेक्चर है इस वर्ष का और आप सब लोग जिसमें आमंत्रित है आप ज्वाइन हो जाएंगे इसको कहीं से भी या तो सिस्को करने से आप सबको मैं कहीं से पूछना दे रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ के थोड़ा सा आभार व्यक्त कीजिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। परम आदरणीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सम्माननीय डॉक्टर योगेंद्रनाथ अरुण जी, हमारे शासी निकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर कपिल कपूर जी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर सी एल गुप्ता जी, हमारे निदेशक महोदय प्रोफेसर मकरंद परांजपे जी, मिसेस परांजपे, और हमारे सचिव महोदय मिस्टर कर्नल तिवारी जी, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि जिस भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की आधारशिला यहाँ के प्रमुख शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रखी थी, उसी के आज 55वें स्थापना दिवस के समारोह में हमें हमारे शिक्षा मंत्री और एक प्रमुख शिक्षाविद और साहित्यकार का संबोधन सुनने को मिला, जिनको मैं अगर शिक्षा योद्धा कहूँ जैसे वैरियर का वो है, जिन्होंने शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किए जो कि भारत की इस टाइम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, और जिन्होंने जैसे वेदों की बात की। आज इंटरनेट के जमाने में हम कहते हैं फॉर इंफॉर्मेशन वी लुक टुवर्ड्स द इंटरनेट बट फॉर विजडम वी लुक टुवर्ड आवर वेदास। तो हमारा ये विश्वास है कि इसी तरह निशंक जी का आशीर्वाद, गाइडेंस और उनकी प्रेरणा हमारे साथ हमेशा और हमारे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के साथ हमेशा बनी रहेगी। तो हमारा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान परिवार की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी ने जिन सरल शब्दों में हमें आज की शिक्षा नीति के बारे में समझाया, जो हमें बहुत मुश्किल लगती थी कि पता नहीं क्या है, तो हमें बिल्कुल वो आराम से समझ में आ गई कि इस असल में ये शिक्षा नीति है क्या। हमारा भारत का जो युवा वर्ग है बहुत ही मेहनतकश भी है, प्रतिभावान भी है, फिर भी बेरोजगार है, और वही युवा बाहर जाके विदेशों में अपना नाम कमाते हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, और हमें आशा है कि ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है
इसके साथ अब हमारे जो युवा वर्ग है और हमारे भारत के जो भी वैज्ञानिक हैं या जो भी शिक्षाविद हैं, सब हम भारत में भी नाम कमाएंगे और पूरी पूरी दुनिया में और भी हमारे भारत का नाम रोशन होगा। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर शर्मा। और हमारे जो शासी निकाय के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कपिल कपूर जी, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके आने के बाद ही हमारे संस्थान में उन्होंने जो संस्कृति हमारी शुरू की कि दीप प्रज्वलन की, कि जो भी कोई सेमिनार होगा तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार पहले हमें दीप प्रज्वलन करना है। तो और भी उनकी हमारे ऊपर बहुत ही कृपा रही है, इसके लिए हम उनके लिए बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि वो उनकी इसी प्रकार से हमें सपोर्ट बनी रहे। हमारे जो उपाध्यक्ष हैं प्रोफेसर सीएल गुप्ता जी, उनका भी सपोर्ट हमें हमेशा रहा है। पिछले साल जब हमने ये समारोह मनाया था तो वो भी हमारे साथ उपस्थित थे। तो इस साल जो ये लॉकडाउन और इन सब की वजह से सब लोग हमारे साथ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि उनका सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। हमारे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर परांजपे जी, जिनकी वजह से इस कठिन काल में भी ये समारोह संभव हो सका कि एक महीना लेट ही सही लेकिन हम इसे मना सके, उनकी जब हमेशा हमेशा ही सपोर्ट रही है। इवन जब लॉकडाउन भी हो गया तब भी उन्होंने संस्थान को बर्न डाउन नहीं किया, उन्होंने इसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था की, यहाँ के लोगों का भोजन मेस मिलता रहे, काम चलता रहे, उन्होंने सब प्रकार की व्यवस्था, वो नित्य आते थे, सब लोगों को अगर छुट्टी पे भी भेज दिया तो अपने आप वो आते थे और डेली उन्होंने इसकी व्यवस्था देखी। हमारी एक जो स्कॉलर है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर स्टक हो गई थी, उसको भी वापस लाने के लिए हमारे निदेशक महोदय और सचिव महोदय ने पूरा प्रयत्न करके उनको वापस लाया गया। इस तरह से उन्होंने सबका एक मुखिया की तरह एक सारे संस्थान के सारे परिवार का पूरा अपना ध्यान रखा, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे सचिव महोदय कर्नल विजय तिवारी जी इस बार हमारे साथ उपस्थित नहीं है, देख रेख में यह सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उन्होंने उनका पूरा सहयोग हमारे साथ रहा था और हम चाहते हैं कि आगे भी उनका सहयोग इसी तरह हमारे साथ बना रहे। और इसके साथ ही हमारे सभी जो स्कॉलर्स हैं, फेलोज हैं, एसोसिएट्स हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से इस संस्थान का नाम है, जो हमारे इस संस्थान के एम्बेसडर्स हैं, जो देश और दुनिया में उनके जो शोध कार्य छपते हैं या उनका जो भी नाम है, उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, और इतने कठिन टाइम में भी, लॉकडाउन में भी उन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा और संगोष्ठियां भी वेबिनार के माध्यम से और माध्यमों से भी जिस तरह भी था वो उन्होंने अपना संस्थान के और कार्यों में भी उन्होंने अपना सब पूरा सहयोग दिया और कभी भी हमें ये फील होने नहीं दिया कि बहुत कठिन समय है, उनका हमेशा बहुत ही सहयोग हमारे साथ रहा है। और हमारे उनका भी हम संस्थान के परिवार की तरफ से, वो तो हमारे परिवार के सदस्य ही हैं लेकिन फिर भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारे संस्थान के सभी कर्मचारी जिन्होंने पूरा हर तरह से अपना योगदान हर काम में दिया है, हमारे एक सफाई कर्मचारी से लेकर हमारा चाहे पीआरओ सेक्शन है, चाहे एआरओ सेक्शन है, एस्टेट सेक्शन है, डिस्पेंसरी है, सब सेक्शंस ने अपना अपना जो पूरा योगदान इतने सालों से जो इसको चलाने के लिए दे रहे हैं, उनका भी आज इस अवसर पर मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है उन सबका धन्यवाद करते हुए। और हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो यहाँ की फाउंडेशन स्टोन्स हैं, जिन्होंने इस संस्थान का संघर्ष देखा है, इसके अच्छे बुरे दिनों के साथ ही रहे हैं और संघर्ष किया इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उनका भी हम पूरे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे आज जितने भी गेस्ट आए हैं जिनकी वजह से इस समारोह की रौनक बढ़ी है, उनका भी मैं पूरी तरह से, प्रेस वाले हमारे भाई बंधुओं का तो विशेष रूप से मुझे धन्यवाद करना ही है, जिन बहुत अच्छा कहा मुझे आपने, मुझे एक ही चीज कहनी है कि सिस्टम एनालिस्ट, एसपीआरओ सेक्शन और एआरओ सेक्शन और दूसरे सारे जो सेक्शन हैं, इस कार्यक्रम के लिए सारे सेक्शन में बहुत मेहनत की, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम शॉर्ट स्टाफ से, हमारे लाइब्रेरियन साहब नहीं है, सचिव जी नहीं है, कई लोग यहाँ नहीं थे,
मेरे खुद एसपीएसपी बाद में आए हैं, लेकिन राजेश जी ने भी बहुत मेहनत की। मैं हर एक के नाम तो गिना नहीं सकता, नहीं सभी, लेकिन सारे सारे लोगों ने यहाँ बहुत बहुत योगदान दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इसलिए मैं उनको सबको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब हम राष्ट्रगान से बिल्कुल खत्म करते हैं, सब लोग खड़े हो जाइए, कृपया सामूहिक रूप से करेंगे। आप बजा रहे हैं कोई म्यूजिक या आप बजाइए। तिरंगा तो लहरा रहा है। भारत को जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना उच्छल जल तव शुभ नाम जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे कव चल गाय जन मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुछ प्रेस के मित्र हैं, मैं उनसे बात करूंगा। लंच के